दोस्तों ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दूध उत्पादन से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे डेयरी विज्ञान अपने पास, दूध उत्पादन से संबंधित क्रियाविधि सारी अपने पास आएगी, दूध निकालने की विधि आएगी, ऑपरेशन फ्लड आएगा, पशुओं में थनों की संख्या आएगी तथा टीट केनाल भी आएगी। थनों की संख्या कितनी होती है, उसमें टीट केनाल कितनी होती है, उन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहले नंबर का जो प्रश्न है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपने सामने आ चुका है, खीस में अम्लता की मात्रा होती है तो खीस में अम्लता कितने प्रतिशत होती है, 0.12 से 0.14, 0.20 से 0.40, 0.50 से 0.60 और 0.70 से 0.90। तो ऐसी स्थिति में अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा खीस में अम्लता की मात्रा होती है 0.20 से लेकर 0.40, यानी बी वाला जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर वाला जो ऑप्शन होगा वो बी वाला बिल्कुल सही वाला उत्तर होगा, बी राइट हो जाएगा। अगला, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा होगा, तो पहला अपना ऑप्शन आ रहा है आयरन आ रहा है, कैल्शियम फास्फोरस आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, जिंक आ रहा है। ऑप्शन था, प्रश्न था अपना, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है, तो इस स्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले का राइट, खीस में हम जो अम्लता थी वो 0.20 से 0.40, दूसरे के अंदर आ जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और अगर वो सबसे न्यूनतम पूछता तो सबसे न्यूनतम अपन के पास ऑप्शन होता आयरन, उसका आंसर आ जाता है। तो ये चीज भी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अपन तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दही में अम्लता होती है 0.12 से 0.14, 20 से 40, 50 से 60 हो गया, 0.70 से 90 हो गया। तो दही में जो अम्लता होती है वो होती है 0.70 से 0.90। अगला प्रश्न आपने सामने आ चुका है, किस पशु के दूध में कैफ्रिक अम्ल के कारण गंध आती है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि किस पशु के दूध में कैफ्रिक अम्ल के कारण गंध आती है, तो आपका आंसर आना चाहिए बकरी के दूध में कैफ्रिक अम्ल के कारण गंध आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है अपना, अम्लीय धावकों का बर्तनों की सफाई में कितना प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है। जो अम्लीय धावक होते हैं, अम्लीय धावकों में आपने नाम सुना होगा, सिट्रिक अम्ल का नाम सुना होगा, फास्फोरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ये सारे के सारे जो है वो सारे अम्ल है। तो अम्लों की जो मात्रा काम में ली जाती है वो काम में लिए जाते हैं 0.1% काम में लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अम्लीय धावकों का बर्तनों की सफाई में कितने प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है, तो 0.1% काम में लिया जाता है। उसके बाद बात कर रहे अपन बर्तनों की सफाई में कौन से धावकों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो देखो इस वाले में आपके पास ऑप्शन में अम्लीय धावक है, दूसरा क्षारीय धावक आपके पास ऑप्शन में आ रहा है, क्षारीय धावक भी आपके पास ऑप्शन में है, जटिल फॉस्फेट आपके पास ऑप्शन में है, उपरोक्त सभी है। तो यानी अम्लीय, क्षारीय और जटिल फॉस्फेट, तो इस वाली स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्षारीय धावकों का। अम्लीय धावकों का प्रयोग किया जाता है मिल्क स्टोन को हटाने के लिए, 0.1% ही अम्लीय धावकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय धावकों का अपन 1 से 2% घोल काम में ले सकते हैं। और बर्तनों की सफाई में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो क्षारीय धावकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्धशाला में कांच की बोतलें धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन में मिलेगा, कभी कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन अगर अपन 12th NCERT के हिसाब से बात करते हैं तो अगर चारों ऐसे ऑप्शन हो और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर अपने ऑप्शन में होता है तो फाइनल आंसर अपना सोडियम बाइकार्बोनेट ही राइट होगा। तो यानी कि दुग्धशाला में कांच की बोतल धोने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये इसका अंतिम उत्तर होगा। अगला देखिए, आठवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किस विधि के द्वारा दूध में वसा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो किस विधि के द्वारा, तो देखो यहाँ पे जेलडोल और पाइनेस विधि है, तो जेलडोल और पाइनेस विधि के द्वारा प्रोटीन का पता लगाया जाता है। समांगीकरण होता है, यानी दूध के अंदर जो वसा गोलिकाएं होती है उसे संपूर्ण दूध में विभाजित करने की जो क्रिया होती है वो समांगीकरण होती है, और गर्भर विधि के द्वारा दूध में उपस्थित वसा का पता लगाया जाता है। अगला आता है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए भी आप कर सकते हो, और दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो, तो उस वाले ऑप्शन में डी वाला राइट होगा। नवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है,
दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दूध के अंदर स्टार्च की उपस्थिति का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है आयोडीन परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। तो याद रखना, जेलडोल और पाइनेस पहले आ चुका है, गर्बर विधि आ चुका है, MBRT मिथाइल ब्लू रिडक्शन जो टेस्ट होता है वो पाश्चुरीकृत दूध का पता लगाने के लिए किया जाता है। भाई पाश्चुरीकृत हुआ या नहीं हुआ, क्या गुणवत्ता रही, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा आयोडीन परीक्षण। 10वां नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दूध में प्रोटीन का पता लगाया जाता है। तो वही अभी अपन ने पढ़ा कि दूध में प्रोटीन का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है जेलडोल व पाइनेस विधि के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए कि दूध में प्रोटीन का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो जेलडोल और पाइनेस विधि के द्वारा लगाया जाता है। अगला आ जाओ बेटा, पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता व दक्षता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको अभी जस्ट अपन ने बात करिए कि पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता वो दक्षता का पता लगाने के लिए जो परीक्षण काम में लिया जाता है वो MBRT परीक्षण होता है। कौन सा होता है? MBRT यानी मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट, यानी सी वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, 12वां प्रश्न अपने सामने आ चुका है, दूध में वसा का पता लगाने वाली गर्बर विधि में दूध की कितनी मात्रा काम में ली जाती है? तो दूध का जो वसा, दूध में जो वसा का पता लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये एक गर्बर विधि के द्वारा लगाया जाता है। गर्बर विधि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है, और जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम कर रही है लेकिन इसके अंदर जो उपकरण काम में लिया जाता है, जो वसा निकालने के लिए जो उपकरण काम में लिया, उसको ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। और ब्यूटायरोमीटर यंत्र के अंदर जब इस विधि में दूध का मापन करते हैं तो 10.75 ml दूध लेते हैं, 10 ml H2SO4 लेते हैं, 1 ml एमाइल एल्कोहल लेते हैं। इन तीनों को मिक्स करने के बाद 1100 RPM के हिसाब से 5 मिनट तक, RPM यानी राउंड पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट तक घुमाया जाता है, और उसके बाद वसा का पता लगाया जाता है। तो दूध की मात्रा काम में लेते हैं 10.75 ml। अगला आ जाओ, डंपेल क्या कहलाती है? डंपेल क्या है? दूध निकालने का यंत्र है, विधि है, निकालने के लिए छोटे मुंह की बाल्टी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा कि ये दूध निकालने में प्रयोग होने वाली एक छोटे मुंह की बाल्टी है। दूध निकालने में प्रयोग होने वाली एक छोटे मुंह की बाल्टी है, जिसे अपन ने डंपेल कहा। अगला देखो, अगला प्रश्न 14वां, टीट कप क्या होता है? टीट कप का क्या काम आता है? टीट कप के बारे में वो पूछ रहा है। तो टीट कप का प्रयोग किया जाता है दूध निकालने में किया जाता है। टीट कप का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूध निकालने में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, कभी पूछ ले आपसे कि टीट कप का प्रयोग कब करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दूध निकालने में करते हैं। उसके बाद आ जाओ, लाइसोजाइम नामक एंजाइम किस पशु के दूध में पाया जाता है? गाय के दूध में, भैंस के दूध में, ऊंटनी के दूध में, किस में पाया जाता है? देखो, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो लार में भी पाया जाता है, जो भोजन में संक्रमण को कम करने का काम करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, भोजन के साथ जो जीवाणु चले जाते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है, अगर मिलने की अगर ये बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऊंटनी के दूध में, ठीक है ना, ऊंटनी के दूध में ये लाइसोजाइम सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी सामान्य दूध की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है, और ऊंटनी के दूध के अंदर इंसुलिन जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये प्रश्न तो कृषि परिवेशक में पहले भी पूछा गया है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, तथा ये हार्मोन डायबिटीज को कम करने का काम करता है या नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न वही है, इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है ऊंटनी के दूध में पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न अपना है, दुग्धशाला में सफाई के काम आने वाले अम्लीय दवा कौन कौन से? मैंने आपको बताया था कि सिट्रिक अम्ल, ये मान के चले सिट्रिक अम्ल, पॉस्फोरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, देखो ये सारे के सारे हैं, सिट्रिक अम्ल आ गया, टार्ट्रिक अम्ल आ गया, पॉस्फोरिक अम्ल आ गया, ग्लूकोनिक अम्ल आ गया, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे अम्लीय दवाओं का है, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। और अम्लीय दवाओं का सफाई में कितने परसेंट काम में लेते हैं? तो 0.1%, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगला, कौन से धावक बर्तनों पर मिल्क स्टोन नहीं बनने देते हैं? मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मिल्क स्टोन जो नहीं बनने देने वाले जो धावक है, तीन प्रकार के धावक अपन पढ़ रहे हैं, अम्लीय धावक, क्षारीय धावक और एक जटिल पोस्टपेट। तो इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय धावक है जो मिल्क स्टोन का लगने नहीं देते, मिल्क स्टोन बनने नहीं देते, लेकिन जो क्षारीय धावक होता है उनको सबसे ज़्यादा बर्तनों की सफाई में प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर अम्लीय धावक वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब आएगा आपके सामने 19वें नंबर का प्रश्न, आ चुका है ये देखो 19वें नंबर का प्रश्न है अपने सामने। क्लोराइड की मात्रा किस पशु के दूध में अधिक होती है, क्लोराइड की मात्रा। तो देखो क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड दो जगह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहली बात है क्लोराइड में, एक तो ये सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध में पाया जाता है। एक किसी भी पशु का दुग्ध काल जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके अंदर दूध में वसा की मात्रा तो बढ़ती है लेकिन उसमें क्लोराइड की मात्रा भी बढ़ती है। जब मान लो कोई भी मादा पशु का प्रसव हुआ, प्रसव के बाद उसका दुग्ध काल स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे दुग्ध काल दूध सूखने वाली स्थिति में आएगा तो दूध में वसा की मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन उसमें क्लोराइड की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, कभी आपसे पूछ लें कि दुग्ध काल बढ़ने के साथ साथ किस की मात्रा बढ़ती है, तो क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर पदार्थ पूछे तो वसा की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। अगला, लोहा नामक खनिज लवण की मात्रा सर्वाधिक किस पशु के दूध में पाई जाती है। तो देखो सामान्य दूध में तो लोहा नामक खनिज लवण की कमी होती है लेकिन ज़्यादा किस में पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो सर्वाधिक पाया जाता है बकरी के दूध में। बकरी के दूध में लोहा नामक खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए बकरी के दूध का प्रयोग अपन करते हैं टीबी बीमारी, जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक रोग होता है, मतलब टीबी का अगर अपन बात करते हैं तो टीबी के अंदर क्या होता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो उसमें लोहा नामक, तो इसके लिए बकरी का दूध प्रयोग करते हैं। उसके बाद 21वां, किस पशु का दूध क्षय रोग के प्रतिरोधक होता है। तो मैंने आपको अभी बता दिया बकरी का दूध होता है। किस पशु के दूध का दही नहीं बनाया जाता, तो याद रखना ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनाया जाता। उसका कारण ये है क्योंकि ऊँटनी के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार सामान्य दूध की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाता है। माना अगर वो 6 घंटे में खराब हो जाता है तो आप दही 6 घंटे से पहले बना लो, लेकिन बनता इसलिए नहीं है। दो चीज़ों का दही कभी भी नहीं बनता, एक तो फटे हुए दूध का दही नहीं बनता है क्योंकि इसमें वसा गोलिकाएं बिखर जाती है, और एक ऊँटनी के दूध का दही भी नहीं बनता क्योंकि इसमें वसा गोलिकाओं का आकार सामान्य दूध की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो 22वें नंबर का आंसर भी ऊँटनी हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मानक दूध में, मानक यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ मानवीकृत जो दूध है उसके अंदर वसा रहित ठोस पदार्थ, फेट वो वसा रहित ठोस पदार्थ SNF की मात्रा कितनी होगी। तो देखो 4.5 से 8.5 हो जाएगी मानक दूध के अंदर। टोंड दूध में बात करते हैं तो 3 से 8.5 हो जाएगी। डबल टोंड में अगर अपन बात करते हैं तो 1.5 से 9 हो जाएगी, और सेपरेटा दूध की बात करेंगे तो 0.5 से 8.7 हो जाएगी। ठीक है ना, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपसे पूछा तो मानवीकृत दूध के अंदर तो ये हो गया, लेकिन अगर आपसे टोंड दूध में पूछेगा तो टोंड दूध में ये हो जाएगा, अगर आपसे डबल टोंड दूध में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, और अगर आपसे सेपरेटा दूध में अगर पूछा जाएगा तो सेपरेटा दूध के अंदर ये हो जाएगा 0.5 और 8.7। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, टोंड दूध में वसा वसा रही ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो वसा रही ठोस पदार्थ और इसकी मात्रा जो होती है तो वो हो जाएगी टोंड दूध में 3 और 8.5 वाला हो जाएगा, लेकिन अगर ये डबल टोंड होता तो 1.5 और 9 वाला होता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 25वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दुग्ध की गाय की दुग्ध नलिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये भी बताना है आपको। पानी, रक्त, दूध और दूध रक्त क्या पाया जाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि गाय की दुग्ध नलिकाओं में मुख्यतया जो पाया जाता है वह सिर्फ ओनली रक्त पाया जाता है। ठीक है ना, रक्त पाया जाता है, और रक्त भी कौन सा, अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो याद रखना रक्त पाया जाएगा। दुग्ध स्त्राव का प्रारंभ काल कहलाता है। तो दुग्ध स्त्राव का जो प्रारंभ काल होगा वो कहलाएगा लैक्टोजिनेसिस। क्या कहलाता है, लैक्टोजिनेसिस। ये भी आपको याद रखना है कि दुग्ध स्त्राव का प्रारंभिक काल क्या कहलाएगा, लैक्टोजिनेसिस। ऐसे ऑप्शन में होंगे लेकिन आपका आंसर सी नंबर वाला राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 27वें नंबर वाला, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। याद रखना 1/3 इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। पनीर एक है सांद्रित दुग्ध उत्पाद,
फर्मेंटेड दुग्ध उत्पाद, जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद, सांद्रित करके जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद। तो सांद्रित करके जमाया हुआ दूध उत्पाद है। देखो, दूध को आपने गर्म किया, उसमें आपने कोई भी अम्ल डाल के दूध को फाड़ा, यानी कि फिर आपने उसको कपड़े में छाना, यानी वो सांद्रित आपने कर लिया है, और फिर उसके बाद आप उसे किसी कपड़े में बांध कर और फिर पत्थर के नीचे दबा कर रख देते हो ताकि सारा पानी निकल जाता है और वो कठोर हो जाता है, वो होता है पनीर, यानी सांद्रित किया हुआ दुग्ध उत्पाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सांद्रित करके जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद आ जाएगा, पनीर।